पंचकुला के पूर्व विशेष सीबीआई जज सुधीर परमार को ईडी ने किया पेश। रिश्वतखोरी व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी कोर्ट ने पूर्व जज सुधीर परमार को 6 दिन के रिमांड पर भेजा था। रिमांड अवधि के आज खत्म होने के बाद फिर से किया गया है ईडी कोर्ट में पेश। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अप्रैल में हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा पंचकुला में विशेष पीएमएलए अदालत में तैनात पूर्व विशेष सीबीआई और ईडी न्यायाधीश सुधीर परमार, उनके भतीजे अजय परमार और रूप कुमार बंसल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पंचकुला विशेष अदालत के निलंबित न्यायाधीश सुधीर परमार को कथित रिश्वतखोरी के आरोप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। एसीबी केस दर्ज होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने परमार को निलंबित कर दिया था, 1 दिन के रिमांड पर भेजा था। ईडी द्वारा पूर्व सीबीआई जज का 6 दिन के रिमांड पर भेजा गया था। ईडी द्वारा पूर्व सीबीआई जज का 8 दिन का मांगा गया था रिमांड। पंचकुला के पूर्व विशेष सीबीआई जज सुधीर परमार को ईडी ने किया पेश। रिश्वतखोरी व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी कोर्ट ने पूर्व जज सुधीर परमार को 6 दिन के रिमांड पर भेजा था। रिमांड अवधि के आज खत्म होने के बाद फिर से किया गया ईडी कोर्ट में पेश। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अप्रैल में हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोध एसीबी केस दर्ज होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने परमार को निलंबित कर दिया था। रिमांड को लेकर कई घंटे तक चली कोर्ट में बहस। कोर्ट ने पूर्व सीबीआई जज सुधीर परमार को न्यायिक हिरासत में भेजा। आज की सुनवाई के दौरान आईआरईओ ग्रुप के चेयरमैन ललित गोयल की जमानत याचिका पर भी हुई बहस। ललित गोयल की जमानत याचिका पर बहस पूरी। 19 अगस्त को ललित गोयल की जमानत याचिका पर कोर्ट सुनाएगी फैसला। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।